हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हैं एंजेल्स वर्ल्ड। तो आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं एक ऐसा फेस मास्क जो कि आपके स्किन में जितना भी प्रॉब्लम्स है पिंपल वगैरह का वो सब क्लीन करेगा, आपके स्किन को रिजुविनेट करेगा और आपके स्किन में जितना भी पिंपल वगैरह है एक्नी है उसको क्योर करेगा, क्योंकि इसमें एंटी फंगल एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके स्किन को और इम्प्रूव करता है, आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और जितना भी आपका स्किन में स्किन रिलेटेड कंसर्न है वो भी ठीक करता है, आपका हेयर रिलेटेड कंसर्न भी आप इस पैक से ठीक कर सकते हैं। इस पैक से आप अपने स्किन के एक्सेस ऑयल को रिमूव कर सकते हो, आपकी स्किन को डीपली क्लीन कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मेरा चेहरा लग रहा है द मास्क मूवी आया था बहुत साल पहले, तो उसी में जो एक्टर है उसी की तरह ही मेरा अभी फेस लग रहा है ग्रीन ग्रीन। तो इसके लिए मैंने लिया है नीम पाउडर। तो ये है नीम पाउडर एल्गुडनेस का जो कि आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा काम करेगा, बट इसका जो स्मेल है वो आपको हीना की तरह लगेगा, जो हेयर में हीना लगाते हैं वैसा। तो दूसरा लिया मैंने मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता ही है हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है, ऑयल एक्सेस ऑयल हमारे फेस से निकालता है। नीम में कितना सारा गुण है ये तो आप सभी जानते हैं। नीम हमारे स्किन में जितना भी पिंपल है उसको क्योर करने में हेल्प करता है और आगे जो है इन्फेक्शन बढ़ने नहीं देता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो था वो था उपटन फेस मास्क। तो मेरे पास पाउडर नहीं था उपटन का, इसमें शायद उपटन पाउडर भी मिलता है वो नहीं था मेरे पास, इसलिए मेरे पास ममाहत का था तो मैंने वो ले लिया। और तीसरा था ये है रोज़ वाटर, तो रोज़ वाटर से मिला के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ टेक्सचर बना लेंगे जो कि हमारे स्किन में लगाना है। अब ये देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया है, पूरा कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, हल्का हल्का मॉइस्ट रहे उसमें ही आपको अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब ये देख रहे हैं आप मेरा फेस वॉश हो गया है और ये बहुत ही स्मूथ हो गया था। असल में मेरे स्किन में भी बहुत पिंपल हो रहा है तो उसी के लिए ये फेस मास्क बना रही थी, अप्लाई कर रही थी, तो लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि मैं अभी कौन सा फेस पैक लगा रही हूँ जिससे जो भी मेरा पिंपल वगैरह है वो कम हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं मेरा स्किन अभी बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करते रहें। टिल देन बाय।